ये है बिनसर महादेव। तो अभी ये बन रही है मंदिर पूरी। मैं हूँ टॉप पे यार। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी हम उठ ही रहे हैं, जस्ट हो रहा है टाइम 3:40 में उठ गए थे हम अभी, और जस्ट अभी उठ ही रहे और अभी जस्ट फ्रेश व्रेश होंगे दिन, उसके बाद हमने जल्दी से जाना है। और ये दोनों सो ही रखे, उठ रहे चल 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 उठ। और इधर से भी दरवाजा खटखटा दिया है, ये भी आ गया है, ये आ गया, सब आ गए हैं। तो अब हम जल्दी से उठ रहे हैं, देन उसके बाद सब फ्रेश व्रेश हो गए, फिर अब जल्दी से निकल रहे हैं। तो गाइस हम सब के सब फ्रेश होके रेडी हो चुके हैं और हम अब जा रहे हैं ऊपर। तो मतलब अभी हो रहा है टाइम 4:30, तो अभी हम पहुंच जाएंगे नितेश भाई के कमरे में ऊपर। मतलब वहां से हमने शॉर्टकट जाना है, तो आधा घंटा लग ही जाएगा और 5 बजे तक मतलब हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ियों के पास। तो हमने यहाँ पे गाड़ी लगा रखी थी, यहाँ पे नितेश भाई की भी गाड़ी है। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो निक्को और आगे कर रहे हैं हमारा वेट, क्योंकि यहाँ से काफ़ी चढ़ाई है। तो हम तीनों यहाँ से गाड़ी लेके निकलेंगे अब। तो गाइस अब मिलेंगे आपको अपने SJ कैंप पे। चल काफी खतरनाक ही रोड है भाई। कहाँ है रोड, ओ भाई साहब। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही खतरनाक डेंजरस रोड थी और यहाँ से पक्की रोड हो जाती स्टार्ट। तो भाई साहब उजाला हो चुका है पूरी तरीके से और अभी बज रहे हैं 5:06, आपको दिख रहा होगा गाड़ी में। तो मतलब मौसम काफी मस्त हो रखा है, ठंडा ठंडा, और व्यूज बड़े अच्छे अच्छे दिख रहे हैं सुबह सुबह ना। अर्ली मॉर्निंग वाले व्यूज बहुत मस्त दिख रहे हैं। तो अभी हम काफ़ी आगे आ गए हैं और अभी थोड़ा सा और बचा है हमारे लिए, हम पहुंचने वाले हैं। और अभी जस्ट हमें यहाँ दिखा तो जंगल देखो आप, कितना खतरनाक घना जंगल है यार, मतलब बहुत ही खतरनाक घना जंगल है। दिख रहा होगा आपको इधर देखो भाई, खतरनाक ही दिख रहा है, एक नंबर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पीट सैंड में और भाई वाह, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है यार यहाँ पे। तो काफी बड़ा ग्राउंड है, ये ग्राउंड क्या था? ग्राउंड पार्क वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पीट सैंड में और ये पीछे दिख रहा होगा, ये पार्क है पीछे आपको, इतना बड़ा पार्क है और यहाँ पे चल रहा है हमारा फोटोशूट और हमें धूप के दर्शन भी यहीं पे हुए हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है यार पीछे देखो आपको, अच्छा फ्रंट कैमरे में तो नहीं आएगा लेकिन बैक कैमरे बहुत प्यारा आएगा, तो आपको अच्छा से व्यू के दर्शन कराते हैं यहाँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से। और अभी हमको जाना है गाइस यहाँ से ऊपर, हेलीपैड है तो हेलीपैड में हमने अपनी गाड़ी पार्क करनी है, देन वहाँ से हमने जाना है 12 या 11 किलोमीटर पैदल। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं पार्क के अंदर, तो बहुत ही प्यारा पार्क है, बहुत ही बड़ा है देख सकते हो आप, बैठने के लिए बहुत ही प्यारा बना रखा है, मतलब ये देखो तरीके से किस तरीके से बना रखा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे बाबा जी भी बैठ रखे हैं, बाबा जी पे सोए थे शायद रात को। और यहाँ से व्यू देखो बड़ा प्यारा लग रहा है यार, पीछे वाला मस्त लग रहा है इधर साइड में ना। और यहाँ पे है हमारे मतलब
अच्छा ये हमारे नए ब्लॉगर भी आ रखे हैं हमारे साथ, और यहाँ पे है गाइस वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की मूर्ति, आपको दिख रहा होगा। तो इनको तो सब के सब जानते ही है, बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। तो बहुत ही प्यारी मूर्ति है, स्टेज है ना, तो ये स्टेज होगा। अदेन यहाँ पे कुछ कार्यक्रम मतलब होता होगा तो यहाँ पे होता होगा, और ये यहाँ पे इन्होंने बना रखा है इसके लिए स्टेज। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। तो गाइस यहाँ पे था एक होटल, अभी हम यहाँ पे पी रहे हैं गाइस चाय सबके साथ। तो यहाँ से चाय पीने के बाद हम ऊपर चलेंगे, अब गाड़ी पे हमने ऊपर ही लगानी मतलब। और सुबह के पहले धूप में बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ से गाइस क्या कहते हैं कुमाऊँ 5 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है, 5-6 किलोमीटर दूर है। और तो मतलब हम कुमाऊँ की बॉर्डर के सामने पहुँच चुके हैं। मुझे पता नहीं था कि हम कुमाऊँ में जा रहे हैं, बट मुझको आधे रास्ते में पता लगा कि हम कुमाऊँ जा रहे हैं। तो गाइज़ हमने हेलमेट भी नीचे दुकान में रख दिया है, और हमारी गाड़ी ये पीछे, ये पूरा हेलीपैड है पीछे, आपको दिख रहा होगा। और ये चले गए आगे दोस्त। तो बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ से, एंड हमें बोला कि मैक्सिमम हमें 3 घंटे लग जाएंगे ऊपर चढ़ने में, क्योंकि काफ़ी पैदल है, 12 किलोमीटर तक है। तो भी चलते हैं हम। तो हमारी यात्रा शुरू हो गई है गाइज, तो मतलब थक लग गई है, तो समझ लो स्टार्ट हो गई है। और अभी हम ज़्यादा ऊपर नहीं पहुँचे, जस्ट पहुँचे। और मस्त हमने शिव जी वाले गाने लगा रखे, तो मस्त फीलिंग आ रही चलने में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही दिल को सुकून वाली फीलिंग आ रही है यार, बहुत सुकून मिल रहा है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में, मतलब 1 घंटा हो गया हमें तो चढ़ते चढ़ते, 6 बजे वहां से निकले थे, 7 बज चुके हैं यहाँ। और काफ़ी मज़ा आ रहा है चलने में, क्योंकि मतलब चढ़ाई चढ़ाई नहीं है, ढलान भी है फिर चढ़ाई भी है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है चढ़ने में। और सब मस्त करके आ रहे हैं, मतलब कोई वो नहीं हो रहा, मतलब किसी को ज़्यादा थक नहीं लगी है। और धूप भी हल्की हल्की आ रही है, मतलब यहाँ पेड़ इतने सारे हैं ना, तो गर्मी महसूस नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है चलने में गाइस सच में। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं आधे रास्ते में, और अभी हम यहाँ पर बैठ रखे हैं, और यहाँ पर है बहुत ही ठंडा पानी, मतलब फ्रिज भी फेल है, मतलब फ्रिज से भी ठंडा पानी है। मतलब 5 मिनट तक कोई अगर हाथ रख देगा ना, तो उसका हाथ पूरा अकड़ जाएगा, इतना ठंडा पानी यहाँ पे। और निको तो भाई अपना मुंह धो रहा है आराम से, लेकिन मज़ा आ रहा है मुंह धोने में, मैंने भी मुंह धोया था अपना, लेकिन 5 मिनट तक, 2 मिनट तक मैंने अपने हाथ रखे थे पानी में, तो पूरा मतलब अकड़ चुके थे। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है यहाँ पे, देख सकते हो आप पेड़ देखो कितने सारे हैं, मतलब बांझ के पेड़ों का पानी है, जैसे मैंने आगे दिखाया होगा आपको, वैसे ही घना जंगल है ये, पूरे घने जंगल के बीचों बीच में हम अभी। क्यों हो रहा है इस टाइम, कितना 7:42 हो गया है टाइम। तो अभी हमने काफ़ी कवर कर लिया हमने 2 घंटे में यहाँ से, अब थोड़ा सा बचा है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 3 घंटे लगेंगे तुम्हें। अराउंड हम 6 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ से 6 किलोमीटर और है, तो यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगता है अब हमें, क्योंकि हम आराम आराम से आ रहे हैं, ज़्यादा मतलब जल्दीबाजी नहीं कर रहे हम। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं बहुत ही प्यारी जगह पर, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो बहुत ही प्यारी जगह है, और यहाँ से गाइस दिख रहा है पीछे पूरा कुमाऊँ यार, कुछ अलग ही दिख रहा है सच में, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ से कुमाऊँ देखने में, मतलब काफ़ी दूर तक दिख रहा है यार। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं विंसर महादेव, और ये पीछे गेट था, और यहाँ है आगे है विंसर महादेव, अभी आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं अच्छे से। ओ भाई काफ़ी बढ़िया बढ़िया ना। तो गाइस ये है विंसर महादेव, तो अभी ये बन रही है मंदिर पूरी, तो काफ़ी बड़ी मंदिर बन गई है यार, देखो तो बहुत मस्त लग रहा है। नमस्कार, नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो गाइस हम जा रहे हैं नीचे, और पूरा काम चल रहा है, और काफ़ी बड़ी मंदिर बन गई है यार। अभी हम जा रहे हैं गाइस नहाने, यहाँ पूरा ये भाई इतना सारा सामान इतने ऊंचाई पे कैसे आया होगा, आप सोच सकते हो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यह धारा है। गाइस बहुत ही मस्त लग रहा है, आपने पीछे धारा देखी कितनी मस्त है,
और अभी हम ना सबके सब यहाँ पे नहाने वाले हैं धारा में, तो यहाँ पे ना साबुन से नहीं नहाते, बोला बिना साबुन के नहाना है, तो यहाँ पे हम कुछ साबुन वो नहीं लगाएंगे, बिना साबुन के नहाएंगे। तो गाइस हम नहाने आ गए हैं अब, और दो दो बंदे तो चले गए अंदर पानी में, और अभी हमारी बारी है। दो हर 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 हर, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है सच में। तो अभी ये नहाएंगे, देन उसके बाद हम नहाएंगे। संदीप ना हर हर महादेव। ओ भाई ये देखिए काफी ठंड, थोड़ा ठंड पड़े गर्म हो बीच गर्म तो फाइनली गाइस हम नहा गए हैं, और यार बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी, तो बहुत ही ज्यादा मतलब -5 लक्की बता रहा, -5 डिग्री था, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी था, लेकिन मजा आ गया नहाने में, एकदम फ्रेशनेस महसूस हो रही है। और अभी हम जा रहे हैं गाइस पहले मंदिर में भेंट चढ़ाने, और उसके बाद जाएंगे हम थोड़ा मैगी खाने, देन उसके पास आगे एक व्यू पॉइंट और है, तो तब हम वहाँ भी जाएंगे। बर्म डूंगी है वहाँ का नाम, तो अभी वहाँ भी जाएंगे। तो अभी हम जा रहे पहले गाइस मंदिर में भेंट चढ़ाने। मंदिर कैसे लग रहा है? मस्त, पूजा का सामान तो यहाँ है गाइस दुकान। तो गाइस हमने प्रसाद ले लिया है, अब हम जा रहे प्रसाद चढ़ाने। एंड गाइस उन्होंने मना कर दिया कि बोला अंदर मंदिर की वीडियो मत बनाना, तो हम मंदिर की वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो अभी हम प्रसाद चढ़ा के फिर आपसे मिलते दोबारा। भाजी काट रहे हैं पर्ची मेरे पापा के नाम से। तो गाइज हमने पर्ची काट दी है, मतलब जो दान देते हैं ना, तो हमने पर्ची काट दी। मेरे पास है दो पर्ची इसलिए कि मेरे को ना परसों नहीं, काफ़ी एक दो हफ्ते हो गए, तो एक दो हफ्ते पहले मेरे को ना 100 रुपये कहीं पे मिले थे रास्ते में, फिर मेरे को उनको ना खर्च करने का मन नहीं करा, क्योंकि वो मेरे मेहनत की कमाई थी नहीं, तो फिर मेरे का मन नहीं करा खर्च करने का उनको, तो फिर मैंने ना उनको यहीं लिखवा दिया है, और उनसे नाम अपना नहीं मतलब अज्ञात पे लिखवा रखा है, मतलब वो सिर्फ ऐसी दान है। और एक पर्ची मैंने काटी है अपने और अपने पापा जी के नाम पे, यहाँ पे 101 मैंने अपनी तरफ से लिखवाया है। तो यार ऐसे है कि मतलब किसी और का पैसा खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मेरे मतलब वो 100 रुपये ऐसे ही रखे थे मैंने पर्स में साइड में, क्योंकि किसी और की मेहनत की कमाई मैं नहीं खा सकता ना, तो इसलिए। तो अब अगर आपको भी कहीं मिलते हैं पैसे, तो ऐसे ही मतलब किसी को वापस जिसके हैं उसको दे दिया करो, बट मेरे को नहीं मिला वो इंसान जिनके थे वो पैसे, तो फिर मैंने इसलिए यहाँ लिखवा दिए। एंड जिनके भी खोए होंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हो गया है कि उनके पैसे यहाँ मंदिर में आए हैं, तो मतलब जितना दुख उन्हें हुआ होगा तो भगवान उनको उतनी खुशी ओढ़ दें कि मतलब उनके पैसे अच्छी जगह जा रखें, कहीं बेकार जगह नहीं गए हैं। तो गाइस अब आ गए हम ऊपर, और अभी हम खा रहे हैं मैगी, तो अभी हमने मैगी बना रखी है, तो सबके सब वहाँ पे सब पुण्य पे लगे क्योंकि भूख लगी है सबको। तो अभी इसके बाद हमने जाना है आगे, क्या कौन से बर्म डूंगी जाना है हमने वहाँ, देन उसके बाद हम खाना खाएंगे यहाँ पे, देन उसके बाद हम तब निकलेंगे घर के लिए। तो पहले जल्दी से खाते हैं मैगी। तो गाइस हमने मैगी खा ली है, और अब हम जा रहे हैं बर्म डूंगी के लिए। यहाँ से बोला आधा घंटा लगेगा पहुँचने में, तो वहाँ से बोला बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है, मतलब बहुत टॉप का एक पत्थर है, तो हमें पता नहीं था, उन्होंने बोला कि आप तब तक वहाँ चले जाओ, हम तब तक खाना बना लेंगे, तो तब तक हमारे लिए बन रहा खाना। ओहो
बहुत ही मस्त मस्त गाने गा रहे हैं नितेश भाई। छोटे छोटे झरने हे आहा झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। वाह जी वाह। तो गाइस गाने मस्त चल रहे और व्यू दिखाता हूँ भाई, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ। तो पीछे देखो, ओ भाई एक नंबर आ रहा कसम से। तो सब मस्त मगन हो रखे, धुन में नाच रहे और व्यू देखो यार, कुछ अलग ही दिख रहा है जंगल को बीचों बीच में। और इतना ठंडा हो रखा है मौसम, सच में यार बहुत ठंडा मौसम हो रखा है। तो गाइस हम पहुंच चुके ढूंगी के सामने और हमने यहाँ पे बैग जूते उतर उतार दिए हैं और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। वाह वाह वाह। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं और भाई क्या ही बोलूं मैं। तो गाइस ऐसी जगह पहुंच चुके हैं ना, हम बता नहीं सकते मैं आपको कितनी अच्छी है यार। पीछे देखो पहले, ओ भाई इसे बोलते साक्षात जन्नत के दर्शन करना और इसको बोलते गाइस ब्रह्मढूंगी एरी यहाँ पे। और इतनी बड़ी चट्टान है ना, बहुत बड़ी चट्टान है, नीचे पूरी खाई है। और दिखा तो अच्छे से व्यू, ज्यादा किनारे नहीं जाना है। मैं हूँ टॉप पे यार, ओ माय गॉड। लकी पूरा देखो, लकी फोन दे, मतलब पूरा दिख रहा है यहाँ से, मजा आ गया यार। अभी थोड़ी देर में करेंगे पूजा। इसे कहते हैं जिंदगी, इसे कहते हैं जन्नत। सुकून मिलता है ना दिल को दर्शन करके, वो सुकून मिल रहा है आज। और ब्रह्मढूंगी यहाँ पे भी हम आ गए हैं और यहाँ पे भी हम धूप जलाएंगे, आधों ने धूप जला दी है, मेरी बारी भी है अभी। और यार कुछ अलग ही दिख रहा है यहाँ से, तो फ़ोन में तो कुछ अलग दिख रहा होगा बट यार जो मेरी आँखों से दिख रहा है ना वो जन्नत से कम नहीं है। हर 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 हर। तो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं जहाँ ढाबे पे हम रुके थे पहले और अभी हम खाएंगे यहाँ पे खाना। तो गाइस अब हमारा खाना आ चुका है और अब हम खा रहे हैं खाना और यहाँ नीचे बैठ रहे आधे बंदे। तो अभी हम जल्दी से खाना खाते हैं, देन उसके बाद हमने निकलना है सीधा नीचे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर के लिए और पीछे है मंदिर, हमने देख लिया। तो काफ़ी इंजॉय करा हमने आज, बहुत बहुत मज़ा आया और बहुत ही सुकून मिला यार दिल को दर्शन करके। और आगे हैं ये चल रहे अभी, तो जय भोलेनाथ। तो गाइस अब जल्दी से चलते हैं और आपको मिलते हैं नीचे सीधा गाड़ी के सामने। अब तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे और हमारी गाड़ी आई है, हम ऊपर खड़ी करके थे हेलीपैड से, हम नीचे ले आए और अभी हम कुछ लोग पी रहे हैं चाय, कुछ लोग पी रहे हैं हम कोल्ड ड्रिंक। और मैंने जूते उतार रखे हैं क्योंकि पैर ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है सच में, क्योंकि हम पहले 3 घंटे ऊपर जाने में लगे, फिर 3 घंटे ही लग गए हमें नीचे आने में, 3 या 2.5 घंटे लग गए हमें नीचे आने में। मतलब जो सुकून मिला ना वहाँ जाके वो फिर अलग ही लेवल का था, तो बहुत मज़ा आया आज, हमने बहुत इन्जॉय करा सच में। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे गाइस घर के लिए और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मतलब टाइम हो गया है 2:34, मतलब 2:30 बज चुके हैं। तो हमने जाना है नगोखल वाले रास्ते, तो मतलब वहाँ से थोड़ा सा अच्छा ही है बोला रोड, नितेश बोल रहा था। तो गाइस अब हम निकल गए अपने घर के लिए सीधा और नितेश रोड चल रहे आगे मेरे और मैं चल रहा हूँ पीछे पीछे से।
थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा आराम से, क्योंकि नई रोड है और यहाँ देखो भाई अचानक से डरा दिया उन्होंने। गाइस हम पहुंच चुके हैं थैलीसैंण और हम यहाँ आए कि लक्की का गाड़ी का पंचर हो रखा है, मतलब उसमें हवा कम लग रही है और मेरा तेल ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, तो गाइस इसमें तेल भी डलवाना है एंड मौसम भी ख़राब होने वाला है यार सच में, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे लक्की का टायर पंचर लग गया है भैया, सही है कि नहीं घुस गया? चल ठीक है ना, बाय बाय बाय। चल वही नहीं तो भाई को हमने छोड़ दिया, अब यहाँ से चल रहे हम दोनों गाइस रंगो खाल के रास्ते। गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी चौबट्टा खाल के सामने, 2 किलोमीटर चौबट्टा खाल है और हम पूरे भीग चुके हैं, भीग क्या गए हैं, हमने रेनकोट पहन रखा था, निक्कू ने भी जैकेट पहनने के लिए, निक्कू भी नहीं भीग रखा और बारिश अभी बंद हुई है। रेनबो देखने में ना बहुत मजा आता है, तो रेनबो दिख रहा है हमको पीछे, आपको दिखाते हैं। तो गाइस व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है ना, अरे शंभू। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, चौबट्टा खाल नोवा खाल के बीच में, तो यहाँ पे हम खा रहे हैं फास्ट फूड, तो काफ़ी भूख लगी थी हमें, मतलब काफ़ी देर से चल रहे थे और कमर का तो पूछा ही मत, कमर के बैंड बच चुकी है, तो अभी जल्दी से पहले खाते हैं हम, देन उसके बाद सीधा निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। तो गाइस अब हमने खा लिया यहाँ पे फास्ट फूड, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, अब चलते हैं। भोले बाप रे बाप, थक गए सच में यार, बहुत ही ज्यादा थक गया आज। हम आए कांडे के रास्ते और अभी यहाँ रखा हम यहाँ पे निकू को छोड़ने रेटा खाल में, और लक्की और तो हमसे आगे निकल गए थे, और यहाँ होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पे है लक्की और भाई वो, चल मैं लेट हूँ मैंने, चल ठीक है फिर भाई, अच्छा भाई चल ठीक बाय बाय, चल बाय यार लेट हूँ, चल ठीक। गाइस कल वीडियो में एंड करना भूल गया था क्योंकि मैं कल ज्यादा थक गया था, क्योंकि ना 22-23 किलोमीटर हम पैदल चले थे आना जाना, और 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, तो समझ सकते हो कि थक गया था मैं। तो फिर मैं घर आया था, खाना खाया था, फिर सो गया था, फिर एडिटिंग मैंने अभी करी है, अभी जस्ट मैंने वीडियो एडिटिंग की करी है। तो गाइज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।